इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जिंदगी में असफलताएं आती जाती रहती हैं। कुछ लोग असफलताओं से इतनी जल्दी टूट जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी और अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जिंदगी से जीतना है तो उसको आखिरी मौका जरूर दीजिए। आखिरी मौका देना सीखिए। अगर हो सकता है कि जिंदगी आखिरी मौके में आपके लिए अपनी किस्मत का दरवाजा खोल दे। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी से समझाना चाहता हूँ। दोस्तों दो राजाओं में युद्ध चल रहा था, तो एक राजा जीत गया और उसने दूसरे राजा उसके मंत्रियों को कैद कर लिया और एक कमरे में रखा। उस कमरे में 100 दरवाजे थे, तो उसमें जीते हुए राजा का मंत्री गया, उसने कहा कि अगर आप तुम हमारी गुलामी स्वीकार करते हो तो हम तुम्हें जीवन दान दे देते हैं, और ये सोचने के लिए तो मैं कल का वक्त देते, नहीं तो तुम सबको कल के बाद तुम लोग को फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो उसमें से बहुत सारे मंत्री आपस में बात करने लगे कि यार अब क्या होगा। तो उसमें से बुद्धिमान मंत्री बोला कि देखो यहाँ पे 100 दरवाजे हैं और माना कि उस पर बहुत बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, तो क्यों ना हम प्रयास करते हैं एक एक दरवाजे को, हो सकता है कि कोई ना कोई दरवाजा खुल जाए। बहुत सारे लोगों ने तो उसी समय हार मान चुकी थी और उन्हें ना करने का फैसला कर लिया था, पर कुछ लोगों ने उस मंत्री के साथ में कोशिश करने के लिए हाँ मान ली और उन्होंने बोला ठीक है हम प्रयास करते हैं। तो कुछ मंत्री ने कुछ दरवाजे तक तो जैसे 20-30 दरवाजे खोलने तक उनका सहयोग किया, और उसके बाद आधे में से आधे और मंत्री बैठ गए कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों जो बुद्धिमान मंत्री था वो जब तक उसको लगता था कि मैं खोल सकता हूँ तब तक खोलता था, जब थक जाता था तब आराम कर लेता था, फिर ट्राई करता था फिर आराम कर लेता था, फिर ट्राई करता था फिर आराम कर लेता था। तो ऐसे करते करते 70वें 80वें में पहुंचा तो वो अकेला रह गया, क्योंकि सारे मंत्री थक चुके थे और अब कोई भी प्रयास भी तक नहीं करना चाहता था। तो जब वो 100वें दरवाजे में उस मंत्री ने ट्राई किया तो वो तो दरवाजे में थोड़ी सी हलचल हुई और अचानक वो दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे से उस मंत्री ने अपने सारे मंत्रियों और इवन राजाओं को भी सेफली बचा लिया और सब लोग वहां से भाग निकले। दोस्तों इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं और हमें असफलता हाथ लगती है। और इसी के साथ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मुसीबत के समय सभी के सभी दरवाजे बंद नहीं होते दोस्तों, वो एक दरवाजा खुला रहता है, बस प्रयास है कि उसको उस तक पहुँचना। हो सकता है कि वो पहला ही हो सकता है वो 20वां हो सकता है वो 50वां या हो सकता है वो सबसे आखिरी में हो। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आखिरी मौका तब तक दीजिए जब तक कि आपने दिल से प्रयास ना किया हो। और इसी साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखा हो और आप में भी अगर ये जुनून है तो मेरे साथ इस लाल बटन को दबाइए। सब्सक्राइब करने के लिए आप मुझे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।